भैया लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलमेट डैमेज देखो कितना डैमेज हो गया है। ओह शिट मैन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ व्लॉग्स। ओके और गुड मॉर्निंग। और दिसंबर की पहली सर्दी और पहली बारिश और पहला फोग, सबको मुबारक हो यार। और आज ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है तो धीरे धीरे चलने में फ़ायदा है, क्योंकि सर्दी बहुत है और फॉग भी हो रहा है थोड़ा बहुत। और बारिश तो आई थी शाम को, कल शाम को बारिश आई थी, मतलब परसों भी आई थी और कल भी आई थी। क्या कह रहे हो, डेली बारिश आ रही है ना। राइडर गाड़ी जा रहे हैं सोलो राइड पे, गुजरात नंबर की बाइक है इनके पास और शायद ये सोलो राइड पे है। ओह शिट मैन, ओह शिट मैन। क्या कर रहा है, दिख ही नहीं रहा क्या भाई। डैमेज हो गई है बुलेट, और नई बुलेट है बिल्कुल, जो कि अभी नया वाला आया था कलर। ऊपर से बच गया भाई, कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। भैया ये क्रैश गाड़ी तो बचाते हैं। ये तो बहुत है, कर लो कोई दिक्कत नहीं। क्रैश गाड़ी तो यहाँ से भी गया है, ये आ गया बम्पर गया, होकर में बैठ आ गया, नहीं तो है। आप चलो, मैं आपकी बाइक ले चलता हूँ, मेरी बाइक इसको बिठा के ले चलो। जाने के बाद में कोई नहीं मिलेगा, वही तो नहीं 1500 में होगी नहीं है, ठीक बता रहा ना, 1500 में नहीं होगी ये। वो मार दिया हाँ, तो ये यहाँ से निकल जाएगा तब यही बोलेगा भाई ना 1500 ले ले यार, तो मातो खराब कर देंगे बोलता है। हालांकि 2000-5000 का लग जाएगा। हाँ ये कैमरा लगा रहे हैं भाई साहब जी, ये काहे के लिए भैया? मैं सेफ्टी और अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ रोड पर। अच्छा। कितने एक्सीडेंट होते हैं और वो सब, तो उसका रिपोर्टिंग का काम रहता है। तो ये चैनल है मेरा यूट्यूब पे, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो कलेक्ट करता हूँ। तो गाइस अभी क्या हुआ, भैया का एक्सीडेंट हो गया था और तो भैया जिसकी उनकी गाड़ी में काफ़ी नुकसान हो गया, मतलब ये क्रैश गार्ड था, मतलब लेग गार्ड है जो, वो थोड़ा सा बैंड आ गया है। और उसके बाद थोड़ा रिम में भी बैंड है, हैंडल में भी बैंड है। और क्या खर्चा आया है ये देखो, गाड़ी बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी दिख रही है, साइड ग्लास के अंदर से अपन देख रहे हैं। तो जो ये पीछे बैठे हैं वो अल्टो वाले ड्राइवर ही थे, तो अब इनको शोरूम लेके जा रहे हैं कि भाई जितना खर्चा होगा दे देंगे, और क्या करें। सो गाइज राइड से ऐप और हेलमेट पहना था इसलिए भैया को चोट नहीं लगी, बट अभी हेलमेट नहीं पहना है, ये बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि रिम मरगराट के अड़ रही है। और क्या करे देखो यार, नई बाइक थी नई, अभी इन्होंने सिर्फ 1200 किलोमीटर चलाई है। तो ये शोरूम नहीं जानते जयपुर का, अभी जिस आस पास है तो मैं जानता था शोरूम है यहाँ पे अपने गीतांजलि टावर के अंदर, तो मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ तो लेफ्ट में पड़ेगा, मैं इनको रास्ता बता दूंगा थोड़ा, वहाँ तक ड्रॉप करते हैं। सो गाइज राइड सेफ, ऑलवेज राइड सेफ यार, यही बोलता हूँ। अब क्या करें, गलती थी तो हो गई, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट से ही होते हैं। सो लेट्स गो और राइड सेफ टॉपिक शीट पैन। और यहाँ पे फिर एक और एक्सीडेंट हो गया। क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है आज समझ नहीं आ रहा कैसे क्या। ये देखो ऑटो की हालत देखो, कितनी खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ है। Oh my God. So डैमेज देखो कितना डैमेज हो गया है, ऑटो का भी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ। सो लेट्स गो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ बट एवरीथिंग इज सब ठीक है। बात यह है कि दोनों में नुकसान काफ़ी हो गया है। और भैया ये देखो भैया ये देखो क्या करना चाहते हैं ये। ग्रीन लाइट हो रही है ना, दिख रही है ना सबको, लेकिन इनको नहीं दिख रही कि इनकी रेड हो रही है। भैया को देखो कैसे फोन यूज कर रहे हैं। भैया लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलमेट नहीं पहना और मोबाइल भी यूज कर रहे हो। साइड में लगा के बात कर लो भैया। कितना भी समझा लो पब्लिक को नहीं समझती। क्या करें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो करते हैं। फाइनली मैंने बोला, उनने साइड में लेके बात करना शुरू किया। क्या यार तुम हेलमेट नहीं पहना हो और ऐसे, ये क्या है ये? क्या आपका ध्यान किस पे पता है? आप कंप्यूटर नहीं हो, आपका माइंड एक टाइम में एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। जैसे आप कैमरे से शूट करते हो तो वो एक टाइम में एक ही चीज़ पे फोकस करता है ना, सेम सिचुएशन रहती है अपने माइंड की भी। वो भी एक ही टाइम में एक ही फोकस करेगा, दो काम करेगा तो वो खराब होगी, फोटो खराब हो जाती है। दो काम करवाते हैं तो इसीलिए लाइफ खराब हो सकती है। राइट सेफ, राइट सेफ, राइट सेफ। कितने बदतमीज लोग हैं, एम्बुलेंस को जगह भी नहीं देते हैं। अब देखो वो सायरन बज रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है, कार वाले को अपनी धुन में चल रही है। ये मैडम है ना इसलिए। अब ये देखो बाइक वाला भी भैया इनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा तो साइड दे दो उनको। आपको ये कट व्लॉग्स में ज़्यादा देखने को मिले होंगे ये वाले, क्योंकि ये मेरा डेली रूट है और यहीं से मैंने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करता हूँ और जितना हो सकता है मैं वहाँ भी कलेक्ट करता हूँ। बट मेरा हाईवेज़ पे ऑब्जर्वेशन कलेक्ट नहीं होते हैं, आपको भी पता है। तो सिटी में ही ऑब्जर्वेशन कलेक्ट होते हैं तो वहीं से करता हूँ। और अब इसमें मॉडिफिकेशन चालू किए मैंने बाइक में, और ये वीडियो भी आपके पास जल्दी आएगा कि मैंने बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा लिए हैं। तो अभी थोड़ा काम चालू है इसके ऊपर भी, तो उसके बाद पता चलेगा आपको कि मेरी बाइक कैसी दिखती है। इंस्टाग्राम पर फोटोज़ तो देखी होगी आपको, मैं वीडियोस में दिखाऊंगा। गाइज ऑलवेज वियर हेलमेट, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ मैं आपको। ओके सो गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे फ्यूचर में भी। तो टिल देन ऑलवेज वियर हेलमेट, राइड सेफ, बाय बाय।